नमस्कार, आप सभी का तत्काल संदेश में स्वागत है। मैं निवेदिता चलती हूं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा कोर्ट और कलेक्ट्रेट को उड़ाने की साजिश, संदेही तक पहुंची पुलिस, हो सकता है बड़ा खुलासा। रीवा कोर्ट और कलेक्ट्रेट को उड़ाने का धमकी भरा पत्र लेकर जांच में जुटी पुलिस, इसकी तह तक पहुंचती नजर आ रही है। खबर है कि पुलिस इस पत्र मामले के मास्टरमाइंड तक पहुंच गई है और उससे पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि पुलिस जल्द ही इसका खुलासा करेगी। जानिए क्या था पत्र। दरअसल एक धमकी भरा पत्र वायरल हुआ था जिसमें रीवा के कोर्ट और कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इतना ही नहीं, पत्र में शहर के कबाड़ व्यापारी को सिमी और नक्सलियों के संबंध बताया जा रहा था। इस पत्र के वायरल होते ही पुलिस के होश उड़ गए और आनन फानन में इस पत्र मामले की जाँच में जुटी पुलिस ने संदेही को गिरफ्तार कर लिया है। खबर आ रही है कि पुलिस ने धमकी भरे पत्र मामले में जिसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, वह शहर के कपड़ा सिलाई करने वाले बड़े कारोबारी का पुत्र है। बहरहाल सच्चाई क्या है, यह तो पुलिस की जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। रीवा धमकियों के साए में, ज्ञात हो कि इन दिनों रीवा जिला लगातार धमकियों के साए में है। एक पखवाड़े से बम नुमा लाल डिब्बा सिलसिलेवार मिलने के कारण जहां हर कोई दहशत में था, तो वही पुलिस रात दिन एक करके अंततः आरोपियों तक पहुंचकर तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस बम मामले में अभी राहत की सांस भी नहीं ली थी कि कोर्ट और कलेक्ट्रेट को उड़ाने की चिट्ठी सामने आ जाने से पुलिस की नींद उड़ गई है। कबाड़ व्यापारी पहुंचा एसपी कार्यालय। कोर्ट और कलेक्ट्रेट को उड़ाने वाली वायरल चिट्ठी में मुश्ताक कवाड़ी का नाम लिखा हुआ था, जिसमें बताया गया था कि उसके संबंध सिमी और नक्सलियों से है। यह जानकारी लगने के बाद कबाड़ व्यापारी मुश्ताक एसपी कार्यालय पहुंचा और बताया कि उससे रंजिश रखने वालों की यह करतूत है और उसे फंसाने की साजिश रची गई है। उन्होंने पुलिस से मामले की जाँच कराए जाने और दोषी को सजा दिलाए जाने की मांग की है। और नई खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। सबसे पहले न्यूज पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।